हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं कुछ गाड़ी के रिलेटिव में एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिससे कि वो जानकारी जो आपको किसी ने वीडियो में नहीं दी होगी, और मैं इस वीडियो की मदद से आपको वो जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप गाड़ी का टायर चेंज करें और कैसे आपको क्या क्या ज़रूरत होती है, आपके गाड़ी में क्या क्या टूल होते हैं, उन टूलों का क्या प्रयोग किया जाता है, वो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कहाँ पे गाड़ी में जग लगाना है, कैसे टायर का रिम खोलना है और गाड़ी का टायर कैसे चेंज करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो की मदद से बताना चाहता हूँ। और गाइस, आप लोग मेरी वीडियो पर बने रहें, और गाइस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें। सो गाइस, आप मेरी वीडियो पर बने रहें। तो गाइस, आप लोग देख रहे हैं ये हमारी कार है और इसका हम टायर चेंज करके बताएंगे। और टूल गाइस हमारे पास ये हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन टूल हैं जो कि गाड़ी में टायर चेंज करने के समय इन टूलों का काम होता है, और कैसे टूल कहाँ पे लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं और कौन सा टूल किस काम में आता है, मैं इस वीडियो के मदद से बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को। तो गाइस, आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास टूल हैं, ये है, इसको पाना भी बोलते हैं, रिंच भी बोलते हैं। इसको रिम में लगा के खोला जाता है नट बोल्ट। इसका काम ये होता है कि आप नट खोल सकते हो इससे। और ये दूसरा हमारा ये है सरिया, इसको बोलते हैं, इसको यहाँ पे जग में ऐसे फंसाते हैं और इसको ऊपर नीचे करते हैं, तो इससे जग नीचे और ऊपर होता है। तो इसका काम ये होता है कि जग को ऊपर और नीचे करना। और ये तीसरा हमारा जो है ये जग, इससे गाड़ी के नीचे लगाया जाता है सेंटर पे, तो इससे गाड़ी नीचे होती है और ऐसे करके ऊपर करेंगे तो ये ऊपर होगा और इससे गाड़ी ऊपर उठेगी। तो गाइस, ये हमारे तीनों टूल हैं जो कि हमारे टायर चेंज करने में काम करते हैं। जब गाड़ी हमें पंचर हो जाती है या किसी कारणवश हमारे पास गाड़ी में काम कराना है या गाड़ी का टायर चेंज करना है या कुछ भी गाड़ी के रिलेटिव में होता है, तो इन तीनों टूलों का बहुत ही काम होता है। इसीलिए हर गाड़ी में ये तीन टूल आवश्यक हैं और ये तीन टूल रहते भी हैं। तो गाइस, आप लोग वीडियो पर बने रहें। तो गाइस, इन गुमों को हमें प्रयोग में लेना है कि गाड़ी की यहाँ पर लगाएंगे, इससे गाड़ी आगे पीछे नहीं होगी। इस तरह टाइट करके आप लगा देंगे, यहाँ पर गाड़ी आपकी आगे पीछे नहीं होगी। तो इस तरह से हमें ढीला करना है, जैसे कि आपका रिम ढीला हो जाएगा, इसे आप ढीला कर सकते हैं और उसके बाद जग लगाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे हम जग लगाने जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो आप जहाँ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम जग लगाएंगे। आप यहाँ पे दिखाइए थोड़ा सा, यहाँ पे जग लगेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जग लगाने की जगह होती है, यहाँ पे जग लगता है। तो इसको हम यहाँ पे जग लगाएंगे ऐसे करके, जो जगह यहाँ पे होती है जग लगाने की, परफेक्ट जगह होती है जहाँ पे जग लगता है। तो बहुत ही आराम से यहाँ पे जग लगाएंगे, और जग लगाने की जगह होती है और ऐसे करके जग यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस सरिये को हम ऐसे करके जग को कर रहे हैं, फिर हमारा टायर उठ रहा है और ऐसे करके गाड़ी हमारी उठ जाएगी और टायर को हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमको इसको छोड़ देना। आइए जरा हम टायर के पास दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रही है, ये हमारा टायर उठ चुका है। तो आपका टायर यहाँ पे ऐसे करके नेट हम खोल लेंगे, सारे नेट ये देखिए, ये हमने खोल लिया। और उसके बाद आराम से सब नेट खोलेंगे एक एक करके। गाइस, आप देख सकते हो ऐसे करके टाइम ले सकते हैं और आराम से खोल सकते हैं। ऐसे करके
सो गाइस यहाँ पे हमारा दूसरा टायर रखा हुआ है, इसको हम निकालेंगे और निकालने के बाद इसको हम गाड़ी में फिट करेंगे। फिट करने के दिखाते हैं कि कैसे फिट होता है और कैसे आपको स्टेपनी चेंज करनी पड़ती है, आपको आप कैसे स्टेपनी चेंज कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे हम अपना टायर ये वाला ले आए हैं, उसके बाद हम दिखाएँगे यहाँ पर आपको कि टायर कैसे फिट किया जाता है और आपको फिट करके दिखाएँगे। यहाँ पे हम दूसरा टायर ले आए हैं और इसको हम यहाँ पे ये हमारा उठा हुआ है और जब हमारा लगा हुआ है तो हम इसको आराम से पहले ऐसे करेंगे, नीचे ले जाके पहले टायर को अंदर करेंगे ऐसे करके। ऐसे करने के बाद आपको ऐसे करना है, ऐसे कर जब हो जाएगा आपका तो आपको इन विलोक के सामने जो जिसमें नेट फंसते हैं उनमें आपको सेट करना है। तो आप ऐसे सेट करेंगे, आपको हल्का सा टायर ऊपर खाना है, दोनों इन गड्ढों में उंगली लगा के और फिट करने का तरीका ये है, आप टायर को उठाएंगे और जहाँ पे ये दोनों या चारों होंगे उसके सामने आप फिट करेंगे और ऐसे करके दबा देंगे। दबाने के बाद आपको ये वाला पैर यहाँ पे रख लेना है और इन नेटों को आपको ले कर यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लगाना है। तो आपको लगाना कैसे है गाइस, आप यहाँ पे ऐसे करके लगाएंगे, कस देंगे पहले आपको जितना कसना, आपको ये नेट लगाना है, ये नहीं लगाना है, ये नहीं लगाना, जैसे आपको सामने वाला यहाँ पे लगाना है। ये चीज़ ज़रूर गाइस आप ध्यान रखें कि आपको एक छोड़ के एक लगाना है, एक छोड़ के एक लगाना है। तो पहले आप यहाँ पे दो नेट लगाएंगे, उसके बाद तीसरा लगाएंगे। ये कुछ अहम बातें हैं गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के मद से और वीडियो पर आप लोग बने हैं। तो गाइस इस तरीके से हम अपना यहाँ पे नेट लगा लें, तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे नेट लगा लिए है और हल्का हल्का सा टाइट कर लेंगे। गाइस यहाँ पे हमने पहले ये वाला टाइट किया और एक नेट छोड़ के दूसरे वाले ये तीसरे वाले को हम टाइट कर रहे हैं, करके हम टाइट। इससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी जो है ये रिम पूरा आपका बैठ जाता है, जो हम एक ये वाला टाइट करेंगे, ये वाला नहीं टाइट करेंगे, ये टाइट करेंगे, ये वाला नहीं टाइट करेंगे, ये वाला टाइट करेंगे, ये दोनों टाइट करना है, ये दोनों भी नहीं टाइट करेंगे। तो आपको ये दोनों हल्के हल्के टाइट कर लेना है, यहाँ भी आपका रिम आराम से बैठ जाए और उसके बाद आपको ये दोनों टाइट करना है। तो भाई इससे क्या होता है, आमने सामने का करेंगे तो रिम पूरा हमारा जो होता है वो गाड़ी में टाइम नहीं फिट करेंगे। नेक टाइट हो गए हैं और उसके बाद हम गाड़ी को यहाँ पे जब उतारेंगे यहाँ पे ये सरिया लगी हुई है आपकी गाइस, यहाँ पे आप इसको ऐसे करके नीचे कर सकते हैं तो बहुत ही आराम से आपका टायर चेंज हो जाएगा और आराम से यहाँ पे आपको कैसे टायर चेंज हो जाएगा आपका। आप घर बाहर निकाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप आइए, ये तीनों को रखने के बाद हमें टायर को खूब कस के यहाँ पे टाइट करना है। आपको टायर कस के टाइट करना है, जैसे कि आपका टायर हिला रहा है, चेंज कर दिया है। तो गाइस आपको ऐसे करके इसको चेंज करनी है जब आपकी गाड़ी कहीं पर पंचर हो जाती है, बस आपको ध्यान इतना रखना है गाड़ी जहाँ पंचर हो उस जगह पर लगाएं गाइस, जहाँ पे जगह एकदम बराबर हो और गाड़ी ऊँची नीची ना खड़ी हो। इससे क्या होता है जब आप जग लगाते हैं तो आपकी गाड़ी आगे पीछे भागती है और इन दो ऊँचियों का जरूर सहयोग ले लें, जहाँ जहाँ पर हमने इन टायर के पास ये लगाए तो आपको कोई भी टायर पंचर है आपका पीछे का टायर पंचर है तो जैसे सामने आप आगे टायर में नीचे लगाएंगे, आगे पीछे आपका आगे का टायर पंचर है तो आप यहाँ पे दोनों में पीछे लग जाएंगे। इस तरह आप लगा सकते हो,
जिधर का आपका पंचर होगा टायर उस साइड ही आप पीछे लगाएंगे। आपका आगे का है तो पीछे लगाएंगे, पीछे का है तो आगे लगाएंगे। गाइस आई होप आप सभी लोगों को ये मैंने जो जानकारी दी है तो आप लोग अपने हिसाब से आप गाड़ी में अपने टायर चेंज कर सकते हैं। और गाइस आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो गाइस ये छोटी सी जानकारी ज़रूर है मगर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया जानकारी, और बहुत ही जानकारी ये ऐसी है कि आप कभी भी कहीं पर फंस सकते हो तो आपको जिस चीज़ की जानकारी है उस टाइप आप काम कर सकते हैं। जो गाइस आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने इस वीडियो के मध्य से बता दिया है। और गाइस आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना कहीं पे आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है या गाड़ी किसी कारणवश दिक्कत हो जाती है तो आप इस तरीके से अपना टायर गाड़ी में चेंज कर सकते हैं और ऐसे जग लगा सकते हैं। तो गाइस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट अपना ऐसे ही मुझे बनाए रखिए मेरे ऊपर। और गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय।